एक और बात उठती है, आज अगर मनीष सिसोदिया जी बीजेपी ज्वाइन कर लें तो क्या वो कल उनकी रिहाई नहीं हो जाएगी? छूट जाएंगे वो, कल ही छूट जाएंगे वो, सारे मुकदमे सारे खत्म। आज अगर सतेंद्र जैन बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सारे मुकदमे खत्म, कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही नहीं, उनका मुद्दा तो काम रोकना है, और विपक्ष के जितने लोग हैं उन लोगों के ऊपर सीबीआई और ईडी भेज के उनको उनको परेशान करना है। प्रधानमंत्री जी ने हमारे दो सबसे अच्छे मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया है, सत्येंद्र जैन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, मनीष सिसोदिया जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। इन दोनों मंत्रियों के ऊपर केवल आम आदमी पार्टी को नहीं, पूरे देश को गर्व है। इन दोनों मंत्रियों ने पूरी दुनिया के अंदर देश का नाम रोशन किया है। सत्येंद्र जैन जी ने प्राइमरी हेल्थ केयर में एक नया मॉडल दुनिया को दिया, मोहल्ला क्लिनिक का, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हुई। मनीष सिसोदिया जी ने सरकारी स्कूलों के अंदर कायाकल्प करके पूरी दुनिया के अंदर उनके स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आई, पूरी दुनिया को उन्होंने एक शिक्षा का मॉडल दिया। ऐसे दोनों शख्स जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, प्रधानमंत्री जी ने उन दोनों को जेल में डाल दिया। शराब नीति तो बहाना है, शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, सब फर्जी है। असल में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है वो अच्छे काम को रोका जाए, क्योंकि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में, गुजरात में और अन्य राज्यों में इनकी कितने सालों से सरकार चल रही है बीजेपी की, एक स्कूल ठीक नहीं कर पाए। ये 30-30, 35-35 साल से इनकी सरकारें चल रही हैं, एक स्कूल एक अस्पताल ये लोग ठीक नहीं कर पाए। तो अब क्या करें? तो इनको रोको, केजरीवाल की सरकार को रोको, आम आदमी पार्टी की सरकार को रोको, इनको अच्छे काम मत करने दो। अच्छे काम, ये कोई इत्तफाक नहीं है कि एजुकेशन और हेल्थ में हमारा सबसे अच्छा काम हुआ और एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर को अंदर कर दिया गया। तो शराब नीति तो बहाना है, काम रोकना इनका असली मकसद है।